प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में कल 10 सितंबर की रात करीब 9 बजे आग लगी। आग की सूचना स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने तब तक एम्बुलेंस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। आग पर काबू पाने के लिए हिंगनघाट से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। रात में हिंगनघाट फायर ब्रिगेड में आग पे तत्काल काबू पा लिया था। आग में एम्बुलेंस का भारी प्रमाण में नुकसान हुआ। भारी बारिश के रहते हुए भी एम्बुलेंस में बड़े प्रमाण में आग दहकती हुई दिखी। आग के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। वन्नीर पुलिस घटना की जाँच कर रही है। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि यनोरकर की रिपोर्ट।